मिक्स्ड स्प्राउट उसल बनाने के लिए हमें चाहिए। वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूं अनिरुद्ध और आज हम बनाएंगे मिक्स स्प्राउट का उसल। मिक्स स्प्राउट उसल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिक्स स्प्राउट, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 कप स्क्रिप्ट कोकोनट, 2 बड़ा चम्मच तेल, 15 से 20 करी पत्ता, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच गुड़, 1 छोटा चम्मच गोडा मसाला, बारीक कटा हुआ धनिया, 1/2 छोटा चम्मच राई दाना। एक मिक्सी के जार में लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा और किसा हुआ नारियल डाल के अच्छी तरह पीस लें। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और इसका पेस्ट बना लें। इस तरीके से ऐसा एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। एक पैन में तेल ले लें, उसमें डालें राई, जब राई फूटने लगे उसमें डालें करी पत्ता और प्याज। अब इसमें डालें थोड़ा सा हल्दी और मिला लें। इसमें अब हम मिलाएंगे पेस्ट जो कि हमने जीरा, नारियल, हरी मिर्च और लहसुन का बनाया था। इसको हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्प्राउट्स और ठीक से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी और ठीक से मिला लें। इसमें अब डालें लाल मिर्च। लाल मिर्च डालते समय ध्यान रखें कि हमने जो पेस्ट बनाया था उसमें हरी मिर्च थी, तो लाल मिर्च आवश्यकता अनुसार डालें। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ और गोडा मसाला। अब इसको हम कवर लगा के मध्यम आंच में पकाएंगे, तब तक जब तक अंदर के स्प्राउट्स ठीक तरीके से गल ना जाएं। लीजिए, हमारे स्प्राउट्स अब पक चुके हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्स स्प्राउट उसल अब रेडी है। मिक्स स्प्राउट उसल को हम बारीक कटे हुए धनिया से गार्निश करेंगे। इसको गर्मा गर्म सर्व करें।